हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर साथी। तो आज आपके लिए लाए हैं एक हाई वोल्टेज सर्किट। तो ये सर्किट बनाने से पहले आप लोगों को एक बात कह दूं कि ये घर पे आप ट्राई मत कीजिए विदाउट एनी सेफ्टी, ठीक है? आप बिना सेफ्टी के ये सर्किट आप मत बनाइएगा। तो ये जो सर्किट है, इस पे से इनपुट तो हम लोग देंगे 3.7 वोल्ट और आउटपुट पे ये करीबन 4 लाख के अंदर वो वोल्टेज निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट है, लेकिन इसको घर पे मत ट्राई कीजिएगा। तो अभी चलिए ये सर्किट हम लोग किस प्रकार से बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। सबसे पहले हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए CFL, हमारे जो CFL जलाते हैं, CFL का जो सर्किट होते हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये रहा CFL का एक सर्किट। यहाँ पे आप लोगों को एक कॉयल मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये एक कॉयल है। तो इसी कॉयल को हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इस कॉयल की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है? तो ये जो कॉयल आप देख रहे हैं, इस कॉयल पे हम लोगों को आउटपुट मिलेगा एक वायर और यहाँ पे दो वायर। तो दोनों पे आउटपुट है, ठीक है? और ये जो दोनों है ये ब्लैंक है। तो मतलब हम लोगों को ये दोनों ही हम लोगों को कॉयल मिल रहा है, मतलब ये एक कॉयल है, ठीक है? अगर चारों में कनेक्शन होता तो ये ट्रांसफॉर्मर हो जाता। तो अभी दोनों में है इसलिए ये कॉयल। तो हम लोगों को इसको ट्रांसफॉर्मर बनाना होगा। ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए इसके ऊपर हम लोगों को और एक कॉयल इसको राउंड राउंड करके घुमाना पड़ेगा और 3 वायर इसमें से आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो निकालने से ये हो जाएगा प्राइमरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है? तो अभी चलिए इसको हम लोग कॉयल राउंड राउंड करके घुमा के हम लोग इसको पहले बनाते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मर हमने बनाया है अभी, इस ट्रांसफॉर्मर के जरिए हम लोग ये सर्किट हम लोग बना सकते हैं अपने घर पे। तो अभी चलिए सर्किट को हम लोग डिजाइन करते करके इसको हम लोग कंप्लीटली बनाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाया है 3.7 वोल्ट का, ठीक है? तो ये जो बैटरी है इसमें से आउटपुट निकलेगा 3.7 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो होगा 4 लाख का आसपास के करीब ये वोल्टेज इसमें से आउटपुट होगा, ठीक है? तो इस सर्किट के माध्यम से हमने ये बनाया है। तो अभी देखिए इस पुश बटन को जब भी दबाएंगे इसमें से आउटपुट आएगा।
तो देखा आपने किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।